हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक टू वैक में। और जैसे कि आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, हमारा यूट्यूब चैनल टेक टू वैक है और इस चैनल के माध्यम से आपको ग्राम पंचायत और उससे संबंधित पोर्टल की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। तो इसी के तहत फ्रेंड्स, हमारा आज का ये वीडियो होने वाला है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग एप्लीकेशन से संबंधित। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब से इस एप्लीकेशन का नया वर्जन 3.0.0 आया है, तब से फ्रेंड्स सभी लोगों को, खासकर जो ग्राम पंचायत के कर्मचारी लोग हैं, चाहे मेट हो, जीआरएस महोदय हो, इनको जो है वो इस एप्लीकेशन में अटेंडेंस अपलोड करने में काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि जब हम फाइनली अटेंडेंस को कैप्चर कर लेते हैं और अटेंडेंस कैप्चर करने के बाद गाइज यहां पर से जब हम अपलोड करते हैं फाइनली, तो अटेंडेंस अपलोड नहीं होती है। तो अटेंडेंस अपलोड नहीं होने का क्या कारण है फ्रेंड्स, ये मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अटेंडेंस जो है वो फाइनली हमारी अपलोड क्यों नहीं होती है। तो अटेंडेंस अपलोड नहीं होने के एक दो कारण है फ्रेंड्स, जो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर इस वीडियो में, जिनको मैं शॉर्टलिस्ट करने वाला हूँ। तो देखिए, अटेंडेंस अपलोड नहीं होने के एक दो कारण हो सकते हैं कि आप जो हमारा पुराना वर्जन था फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि जो पुराना एप्लीकेशन था, यदि वो आपके पास एप्लीकेशन होगा तो उसे तो आप पहले डिलीट कर देंगे, और एप्लीकेशन को डिलीट करने के बाद इस एप्लीकेशन को आपको किसी भी माध्यम से डाउनलोड नहीं करना है। आपको क्या करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इससे, मान लीजिए आपने कहीं से ये डाउनलोड किया है इस एप्लीकेशन को, या फिर आपको किसी ने शेयर किया था और शेयर करने के बाद आपने इसे जो है वो इंस्टॉल किया है अपने मोबाइल फ़ोन में, तो जितने भी एप्लीकेशन है फ्रेंड्स इस NMMS ऐप के जो है वो जितने भी ऐप आपके पास हैं, एप्लीकेशन हैं, उन सभी एप्लीकेशन को आपको कर देना है डिलीट। तो चलिए मैं सभी एप्लीकेशन को जो है वो डिलीट करके जो है वो आपको बताता हूँ। जैसे कि ये एप्लीकेशन है, मैं इसको यदि डिलीट करूँगा तो फिर आपको इस एप्लीकेशन को कहाँ से डाउनलोड करना है, इस विषय पर बताने वाला हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि सबसे अच्छा और इफ़ेक्टिव तरीका कौन सा रहने वाला है। तो सबसे पहले तरीके की बात करेंगे गाइस। सबसे पहले आपको मोबाइल फ़ोन में कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है और उसके सर्च में आप, जब आप नरेगा टाइप करके सर्च करेंगे तो इस तरह से पहली वेबसाइट आपके सामने ओपन होकर जाएगी। तो इस फर्स्ट वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है, महात्मा गांधी नरेगा वाली। तो जब आप इस पहली वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नरेगा की जो ऑफिशियल साइट है गाइस, जो भी हमारी जो ऑफिशियल साइट है, ऑफिशियल साइट आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। आप यहां से देख सकते हैं, ये नरेगा की जो है वो ऑफिशियल साइट है। इसके बाद आपको क्या करना है गाइस, आप यहां पर देखेंगे टॉप में एक डाउनलोड मोबाइल ऐप वाला आपके सामने ऑप्शन दिखाई देगा। यदि आपका मोबाइल डेस्कटॉप में नहीं है, सिंपल मोड पर है, तो वो किस तरह से दिखाई देगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, जब आपकी साइट मोबाइल में, जब आप खोलेंगे साइट को, तो कुछ इस तरह से पुराना पहला इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने 3 डॉट में लेफ्ट साइड पर एक मेन्यू वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो मेन्यू वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक करना है। जब आप मेन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से भी मिल जाएगा, या फिर यदि आप इस पे क्लिक ना करके आप यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर डायरेक्ट डाउनलोड मोबाइल ऐप वाला ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है गाइस, इस डाउनलोड मोबाइल ऐप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और जब आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे सामने जो है वो, यहाँ पर अभी भी फ्रेंड्स इस मोड पे हमें शायद ये ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देगा। तो आपको क्या करना है, साइट को आपको डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर लेना है। तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसको डेस्कटॉप पे ले जाएंगे, और डेस्कटॉप पे ले जाने के बाद आपके सामने सारे ऑप्शन जो है वो ओपन होके आ जाएंगे। थोड़ा सा आपको गाइस वेट करना है, साइट का भी कभी सर्च होने में दिक्कत जो है वो हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर आपको डाउनलोड मोबाइल ऐप वाला ऑप्शन ये दिख जाएगा। उसके बाद एक ऑप्शन आप देखेंगे, यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ गाइस, यहाँ पर आप देखेंगे NMMS ऐप वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे कर लेना है क्लिक। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन में फ्रेंड्स ये एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद आप ये इंस्टॉल होगा और फाइनली ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आप इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल होने के बाद वो आपके स्क्रीन पर दिखने लगेगा, मेन स्क्रीन पर, विंडो में। तो ये तो एक ऑप्शन हो गया गाइस, लेकिन मैं ये कहता हूँ गाइस आपको कि इस ऑप्शन से भी आप डाउनलोड मत कीजिए, यहाँ से भी कभी कभी एप्लीकेशन प्रॉब्लम करने लगता है। तो चलिए अब हम दूसरे तरीके की बात करते हैं। देखिए गाइस, सेकंड तरीका ये रहेगा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में सिंपली प्ले स्टोर ओपन करेंगे। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है, सर्च में आप करेंगे NMMS ऐप, सिंपली आप NMMS टाइप करके सर्च करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर से ये एप्लीकेशन गाइस क्या होता था,
पहले प्ले स्टोर में जो है वो इसको नहीं दिया गया था, इस एप्लीकेशन को ये प्ले स्टोर में पहले सर्च ही नहीं होता था गाइस। आप इसे पहले प्ले स्टोर में आप सर्च नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी अच्छी चीज़ ये है गाइस कि आप प्ले स्टोर में भी आप इसे सर्च कर सकते हैं और यहाँ से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये लोगो दिखेगा गाइस, ऑफिशियल लोगो। उसके बाद यहाँ पर यदि आप इंस्टॉल नहीं किए होंगे तो इंस्टॉल वाला ऑप्शन आएगा, आप इंस्टॉल कर लेंगे। तो मैंने इंस्टॉल कर लिया हूँ, अब आप इसे ओपन करेंगे गाइस। तो जब आप ओपन करेंगे तो फिर से ये एप्लीकेशन नए तरीके से इस तरह से ओपन होने लगेगा। पहली बार ओपन करेंगे तो ये यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको अलग से टाइप करना होगा, और ये यूज़र आईडी टाइप करने के बाद आप लॉगिन करेंगे। यदि आप ये यूज़र आईडी भूल गए हैं गाइस, तो मैंने इस विषय पर पहले ही एक वीडियो बना दिया हूँ कि आप इसे कैसे पता कर सकते हैं। तो आप यहाँ से उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा आई बटन पे, आप क्लिक करके देख लीजिएगा। उसके बाद जब हम लॉगिन करेंगे फाइनली, तो लॉगिन करने के बाद भाई सारे ऑप्शन जो होगा गाइस, सारे ऑप्शन की लिस्ट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। तो अब आपको क्या करना है गाइस, यहाँ से आप मस्टर डाटा डाउनलोड करेंगे अटेंडेंस कैप्चर करने के लिए, और उसके बाद सिंपली आप यहाँ से डाउनलोड मस्टर डाटा वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट। जब आप डाउनलोड मस्टर डाटा वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे गाइस, तो सिंपली आपके सामने जो है वो मास्टर डाटा जो है वो सिंपली डाउनलोड हो जाएगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो इस तरह से आप गाइस जो है वो इस एप्लीकेशन पे के जो है वो देख सकते हैं और इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसके बाद जब आप अटेंडेंस अपलोड करेंगे तो 100% गाइस अटेंडेंस अपलोड होगी। तो ये था गाइस छोटा सा वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और यदि गाइस आपके मन में कोई कमेंट है या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसके जवाब आपको ज़रूर दूंगा। और हाँ गाइस, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएगा और जो भी आपकी क्वेरी रहेगी तो आप वहाँ भी मुझसे पूछ सकते हैं।